कमेटी की बैठक होगी दिल्ली में। केंद्रीय नेतृत्व से आज मिल सकते हैं भूपेंद्र चौधरी, तो अब शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं भूपेंद्र चौधरी। उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर के हो सकता है मंथन, हालांकि इस बीच तमाम सारे नाम आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम सारे नामों को अटकलें लगाई जा रही हैं। विराम कब लगेगा देखना ये होगा, लेकिन प्रत्याशियों के चयन को लेकर के मंथन जारी है। जल्दी भाजपा जारी करेगी सभी प्रत्याशियों के नाम। अपर्णा यादव के नाम को लेकर के चर्चा चल रही है तेज। अपर्णा ने कल शाम दरअसल भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात भी की थी, तो कल जारी हो सकती है सूची उपचुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट। तो बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम फिलहाल मौजूद रहेंगे, और राधा मोहन सिंह और भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर से। संदीप, उपचुनाव को लेकर के देखिए, अब अन्य दलों की बात तो करें, लेकिन अब बीजेपी में अब कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। किस तरीके की सुगबुगाहट चल रही, बैठकों का दौर जारी, कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। आपके पास अंदर खाने से कुछ खबरें हैं क्या संदीप? देखिए बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से कहते थे कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव को और उसी के साथ साथ निकाय चुनाव को लेकर चर्चाएं बहुत तेज होती थी, लेकिन इस बार देखिए राजनीति ने एक अलग मोड़ ले लिया है। इस बार कह सकते हैं कि उपचुनाव को लेकर चर्चा तेज हो रही है, वो चाहे समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए। क्योंकि देखिए जब से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव के नाम को सबके सामने जाहिर किया है, वहां का उम्मीदवार बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी में ही कहीं ना कहीं से एक मंथन शुरू हो गया है कि अब वहां से किस प्रत्याशी को उतारा जाए। क्योंकि देखिए मैनपुरी की अगर जनता की बात करी जाए, तो उनका जो कह सकते हैं जुड़ाव है, जो झुकाव है, वो कहीं ना कहीं से मुलायम सिंह यादव की तरफ ही रहा था। और मुलायम सिंह यादव ने कह सकते हैं कि मैनपुरी से दिल्ली तक का सफर किया था, वो चाहे 1996 से लेकर अगर हम 2017 की बात कर लेते हैं। अब जिस तरीके से मैनपुरी से डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस उम्मीदवार पर मोहर लगाई जाए जो वहां से भारतीय जनता पार्टी की साख को बचाने का काम करे। इसको लेकर लखनऊ से दिल्ली दरबार तक में एक बड़ा मंथन शुरू हो चुका है। कई जो प्रत्याशी हैं, जिसमें देखिए कल खुद अपर्णा यादव ने भूपेंद्र चौधरी के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करी है। हालांकि अपर्णा यादव अभी किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि मीडिया से इंटरेक्शन करने से बच रही हैं, और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी संभावित नाम की मोहर उनकी भी नहीं है, अभी कहीं ना कहीं से वो भी संशय में है। अब जिस तरीके से कल शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की एक बड़ी बैठक है, इसके पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कल जिस तरीके से देखिए बैठक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम जो बड़े लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, ऐसे में ये देखा जा रहा है। और आज भूपेंद्र चौधरी नोएडा में भी मौजूद हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में वो आला कमान से बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए चाहे उपचुनाव की बात करी जाए, चाहे निकाय चुनाव की बात करी जाए, लखनऊ से चर्चा शुरू तो जरूर होती है, लेकिन उस पर जो एक अंतिम मोहर है वो दिल्ली आला कमान से लगती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने देखिए बड़ी चुनौती है, और कोई विकल्प भी नहीं है। देखिए क्योंकि मैनपुरी की सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आधिपत्य रहा है, एक अधिकार रहा है, हालांकि मुलायम सिंह के यादव के जाने से बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं ना कहीं से उस सीट को लेकर एक गहरा मंथन कर रही है कि किस प्रत्याशी को वहां पर उतारा जा सके। क्योंकि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये उपचुनाव खास करके मैनपुरी सीट को लेकर के अगर संदीप बात करें तो किसी के लिए साख का है, तो कहीं सहानुभूति फैक्टर, ये तमाम सारे फैक्टर्स रहेंगे इस उपचुनाव में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता संदीप। अब बिल्कुल देखिए कोई दो राय नहीं है, इसीलिए देखिए आलोक होता क्या था कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम सबसे पहले जाहिर कर देती थी, लेकिन इस बार इसके उल्टा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने तुरंत जिस तरीके से डिंपल यादव का नाम, वो तब से देखिए कहीं ना कहीं से एक रस्साकशी जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि तमाम लोग अंदर खेमे से इस बात को कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि देखिए डिंपल यादव की बात करी जाए, जिस तरीके से वो सांसद रही हैं और उनके चेहरे को लेकर जो तमाम कह सकते हैं
जनता है वो उत्साहित भी रहती है, कहीं ना कहीं से उन्होंने देखिए राजनीति में एक अपना लोहा मनवाने का काम भी किया है। अब चुनौती देखिए भारतीय जनता पार्टी के सामने है, तमाम चेहरे हैं, देखिए जिस तरीके से चर्चा में नाम चल रहा है अपर्णा यादव का नाम चल रहा है, लेकिन अभी किसी भी तरीके की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खुद अपर्णा यादव अभी संशय में है, खुद उन्होंने भूपेन्द्र चौधरी से मुलाकात बिल्कुल अभी उम्मीद की जा सकती है कि बीजेपी की तरफ से भी उपचुनाव को लेकर के कोई ब्रेकिंग न्यूज जल्दी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी।